नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैफे स्टाइल चीज बॉल्स। एक चीज बॉल मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये चीज बॉल कितने क्रिस्पी बने हैं, आप आवाज़ सुनिए। और देखिए कितने चीजी बने हैं। आप एक बार मेरे तरीके से ये चीज बॉल्स घर में बनाकर देखोगे तो आप कैफ़े के चीज बॉल्स खाना भूल जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम ये ऐसे कैफ़े स्टाइल क्रिस्पी चीज बॉल्स घर में बहुत ही आसानी से बनाते हैं। सबसे पहले हम ये चीज बॉल्स के लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं। मीडियम फ्लेम में तवा गैस पर रखेंगे और उस पर हम एक एक ब्रेड रख के उनको सेक लेंगे। आप मार्केट का भी ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हो। चीज बॉल्स के लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करने के लिए हमें ये ब्रेड को सेकना ज़रूरी है। अगर हमने ये ब्रेड्स को बिना सेके ही इसका चूरा बना लिया तो ये हमारे चीज बॉल्स ज़्यादा ऑयल पी लेंगे और हमारे ये चीज बॉल्स ऑयली ऑयली बन जाएंगे। इस तरह हमने ये ब्रेड को उलट पलट करके सेक लिया है। अभी हम मिक्सर के जार में ये ब्रेड को डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये ब्रेड को पीस लिया है। चार आलू मैंने पहले ही उबाल के रखे थे। अभी हम ये आलू को, उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। अगर हमने हाथों से आलू को मैश कर लिया तो कभी हम आलू के छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं, इसलिए अभी हम इसको ये इस तरह कद्दूकस कर लेंगे किसनी के ऊपर में। इस तरीके से हमारे आलू सेम तरीके से मैश हो जाएंगे पूरे एक समान, देख सकते हैं आप। इस तरह हमने चार आलू को मैश कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर में ये छोटा सा पनीर का टुकड़ा कद्दूकस कर लेती हूँ। चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इस तरह हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। हम इसमें चार लहसुन की कलियाँ बारीक करके डालेंगे। हम इसमें हरी शिमला मिर्च बारीक करके डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तीन हरी मिर्च बारीक करके डालेंगे। टमाटर के बीज निकाल के उसके ऊपर का लाल भाग काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। हमेशा अपने को लाल शिमला मिर्च मिलेंगी जिसकी गारंटी नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे। इसमें टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें हम एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। ये मैंने चीज लिया है, ये मेरा होममेड चीज है। आप भी ऐसा चीज घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये चीज घर में कैसे बनाते हैं ये अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके ये चीज़ बनाने की रेसिपी देख सकते हो। अभी ये चीज़ को मैं इसके ऊपर में कद्दूकस कर लूँगी। आप मार्केट का भी चीज़ यूज कर सकते हो, इससे हमारे चीज बॉल्स मस्त चीजी लगेंगे। नहीं तो क्या होता है, आलू की टिक्की खाने का टेस्ट आता है। अभी हम सभी सब्जियों को और ये आलू और ये चीज़ को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें हरा धनिया बारीक काट के डालेंगे, देख सकते हैं आप। इसको हम हाथों के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हाथों से मिक्स करने से हमारी सभी सब्जियां, हरा धनिया, आलू सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरह हमें हाथों से इस तरह मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं आप। हमारे ये चीज बॉल्स बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। हाथों से मिक्स करके हमने इस तरह इसका डो बना के रेडी कर लिया, देख सकते हैं आप। अभी ये हमारा डो चीज बॉल्स बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम एक बर्तन में एक कटोरी मैदा लेंगे। उसी कटोरी से हम इसमें अभी एक कटोरी कॉर्नफ्लावर लेंगे। इसको मक्के का आटा भी बोलते हैं। टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको हम चम्मच से इस तरह मिक्स कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ में पानी डालना नहीं है। चम्मच से इस तरह हिला के हम इसको
अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरीके का हमें घोल तैयार करना है। देख सकते हैं आप चीज़ बॉल्स को कैफे स्टाइल देने के लिए ये मेरा होममेड मोजरेला चीज़ मैं इसमें फिलिंग के लिए किस करके डालूँगी। ये कद्दूकस किए हुए चीज़ से हम हमारे चीज़ बॉल्स के अंदर की फिलिंग तैयार करेंगे। इस तरह हम इसको कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये देखिए इस तरह हमने चीज़ को बना के रेडी कर लिया है। बड़े से बर्तन में हम ब्रेड स्क्रम डाल देंगे, छोटा सा भाग लेंगे इस तरह, और उसको हम हाथों पे गोल घुमाएंगे, देख सकते हैं आप, इस तरह गोल घुमाएंगे और उसके बीच में हम हल्का सा ऐसे दबा के छोटा सा गड्ढा बना लेंगे और उसमें हम ये चीज़ डाल देंगे। जितना इसमें एडजस्ट होता है उतना ही हम चीज़ इसमें डालेंगे और इसको हम अभी बंद कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। और इसको हम गोल घुमा के इसका बॉल बना लेंगे, इस तरह गोल घुमाएंगे हम, देख सकते हैं आप। इस तरह हमने गोल घुमा के इसका बॉल बना के रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। और अभी हम इसको ये ब्रेड के चूरे में डाल देंगे। ब्रेड के चूरे में इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये प्रोसेस 3-4 बार करेंगे, इससे हमारे बॉल्स अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। एक और बॉल हम बनाते हैं, छोटा सा भाग लेंगे इस तरह, हाथों पे गोल घुमाएंगे और उसको हम बीच में हल्का सा दबा के गड्ढा बना लेंगे और उसमें हम ये चीज डाल देंगे, देख सकते हैं आप। इस तरह चीज डाल के हम इसको अभी दबा देंगे हल्का सा और इसको हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बंद करके हम इसको हाथों पे गोल घुमा के इस तरह बॉल तैयार करेंगे, देख सकते हैं। ये चीज़ बॉल्स को कैफे स्टाइल्स बनाने के लिए मैंने मेरे घर का बना हुआ मोजरेला चीज़ इसमें डाला है। आप अपने हिसाब से मार्केट का कोई भी चीज़ इसमें ये बॉल्स में डाल सकते हो। अभी ये बॉल को हम निकालेंगे नहीं, थोड़ी देर रखेंगे तब तक कि हम दूसरे भी बॉल बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमने बाकी के बॉल भी बना के रेडी कर लिए हैं। इनको भी हम ये चूरे में डाल देंगे और इसको हम चूरे में सेट कर लेंगे। और अच्छा क्रिस्पी बनाने के लिए हम हाथों पे इस तरह ऐसे दबा के ये बॉल्स को हम अच्छे से चूरे में सेट कर लेंगे। ये प्रोसेस 2-3 बार करेंगे, इससे हमारे ये बॉल्स अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये चीज़ बॉल को हम ये घोल में डाल देंगे और इसको हम इस तरह थोड़ा सा हल्का सा उंगली से ऐसे हिला लेंगे, इस तरह हिला के अभी हम इसके ऊपर में चम्मच से ये घोल डालेंगे, देख सकते हैं आप। और अभी हम ये चम्मच से इसको निकाल लेंगे और इसको हम ब्रेड के चूरे में डाल देंगे और इसको हम ये ब्रेड के चूरे में अच्छे से सेट कर लेंगे ऊपर से चूरा डाल के, देख सकते हैं आप। इस तरह हम इसको चूरे में डाल के इसको ऐसे पटक के अच्छे से सेट कर लेंगे चूरे में। ये देखिए इस तरह हमने इसको सेट कर लिया है। इस तरह ब्रेड के चूरे में ये बॉल को पटकने से ये बॉल को ये ब्रेड का चूरा अच्छे से लग जाता है और ये हमारे बॉल अच्छे मस्त क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह हमने ये बॉल को ब्रेड के चूरे में अच्छे से सेट कर लिया है। अभी ये बॉल को हम 10 मिनट हम फ्रीज़र में रख देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और उसमें हम एक एक बॉल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने अगर स्लो रखे तो हमारी ये बॉल्स ऑयली बन जाएंगे,
एक एक बॉल हम इसमें तेल में डालते जाएंगे इस तरीके से। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, देख सकते हैं आप। इस तरह हमने एक एक चीज़ बॉल्स ये तेल में डाल दिया है। ये बॉल्स तेल में तलते समय ये देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये जो चीज़ हमने डाले हैं वो चीज़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ 2-3 मिनट आती है, बाद में ये आवाज़ बंद हो जाती है। ये देखिए हमारे चीज़ बॉल्स का कलर भी चेंज हो चुका है, मस्त कलर आया है। ये हमारे चीज़ बॉल्स तल के रेडी हो चुके हैं, अभी हम इनको निकाल लेंगे। दूसरे भी बॉल्स हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये चीज़ बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये एक बॉल मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी बना है। और देखिए कितना चीजी बना है एकदम कैफे स्टाइल। आप एक बार मेरे तरीके से ये चीज़ बॉल्स घर में बनाकर देखोगे तो आप कैफ़े का चीज़ बॉल्स खाना बंद कर दोगे। ये चीज़ बॉल्स आप बिना सॉस के भी खाओगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कैफ़े में ये चीज़ बॉल्स खाने के लिए जो सॉस सर्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। ये मैंने 2 चम्मच मियोनी ली है, इसमें मैं 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। इसको हम चम्मच से फेंट के इस तरह तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं आप। कैफे स्टाइल्स ये सॉस के साथ में आप ये चीज़ बॉल्स खा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।